हेलो, हाय, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं आज शूज़ लेने। पहले अभिषेक को पिक करेंगे, फिर शूज़ लेने जाएंगे। एक मेरे को इंस्टा पे तो यूज़ मिला था, तो वो चेकआउट करने जाएंगे बैंड्रा में, डिवाइन किक्स करके। तो वहाँ जाते देखते कैसे शूज़ हैं। आई होप कि अच्छे मिले, क्योंकि मेरा जो मतलब कॉन्वर्स है वो फट चुका है, और मैं बहुत टाइम से उसको चला ही रहा था। तब से बहुत आलस आता था शूज लेने के लिए, पता नहीं क्यों। आज फाइनली एटलीस्ट लेने तो जा रहे, वही बड़ी बात है। और आज जिम नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी टाइम नहीं है, और पूरा दिन मैं सोया हूँ। पता नहीं क्या चल रहा है यार ये, मतलब 2-3 दिन से ना मैं इतना बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ ना, क्या ही बताऊँ। मतलब भाई 10-12 घंटे के ऊपर तो नींद हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है पता नहीं। तो जाते ही जल्दी जल्दी, अभी अभिषेक भी रुका हुआ है। तो अभी शूज़ शॉप में पहुंच गए हम लोग डिवाइन किक्स करके, और पूरा शूज़ वगैरह सब देख लिया, जो जो पसंद है उसमें। साइज ही नहीं है मेरा, 7 नंबर के तो जूते हैं, मिल ही नहीं रहा है। तो फाइनली 2 शूज़ ले लिया, जिसका मेरे को पड़ा अराउंड 4.5। यस, और मेरे को पड़ेगी मम्मी से गाली कि मैं लेने आया था 1 शूज़, लेकिन मैंने ले लिए 2। और अभिषेक का भी टाइम पास हो गया, अच्छे शूज लिए, लेकिन दिखाता हूँ बाद में। एक चीज़ तो बताना ही भूल गया जाने से पहले, मेरे को शूज़ क्यों लेना था। तो मेरे जो पुराने शूज़ थे जो मैं यूज़ कर रहा था, एक तो जो डिकैथलॉन वाला था वो तो फट ही गया पूरा, उसलिए यूज नहीं कर रहा था। और जो मेरे अभी वाले शूज़ थे वो भी पूरा फट ही गए। तो देखो, कॉन्वर्स यूज़ कर रहा था मैं, और पूरा पीछे खड्डा है। अगर मेरा वीडियो देखोगे आप कोई, तो उसमें नोटिस करोगे कि लेग मूवमेंट वाला कुछ भी रहेगा तो आपको ये दिखेगा पूरा फटा हुआ। तो अच्छा है, ये भी बहुत बहुत टाइम चला मेरा, ऐसा नहीं चला। मैं कॉन्वर्स लेने का सोचा था, बट वहाँ पे कॉन्वर्स थे नहीं अवेलेबल। मैं लेकिन लूँगा बाद में फिर से कॉन्वर्स। आई लव कॉन्वर्स भाई, अच्छे लगते हैं मुझे। ये भी कितना आराम से, आई थिंक 2 साल चला है, 2-1.5 साल आई थिंक सो। तो वही है, थैंक यू शूज़ और गोइंग टू जिम विद मी। अब नए शूज की बारी। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। मैंने जूते ले लिए और मैं दिखाता हूँ मेरे जूते। यूजली मैं इतना खर्चा करता हूँ नहीं जूते के लिए, कभी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इस बार कर लिया क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे। तो मैंने लिया व्हाइट के साथ कोलैब वाला जूता है, बट ऑब्वियसली ओरिजिनल है, मेरे पास ना उतने पैसे। बेसिकली मुझे एक शो ये पड़ा है 2,250, 2,250। अब मेरे को मालूम है बहुत लोग बोलेंगे कि अरे ये तो कम में मिल जाते हैं, तो भाई मेरे को जब नहीं मिला तो मैंने ये ले लिया, बस अब खत्म। कोई बोलेगा नहीं मुझे इतने में मिल सकता था, और इसके साथ मुझे इसमें ये भी मिला, लेसेस भी मिला साथ में, इसके लिए। तो और बेसिकली मेरा प्लान तो था कि एक ही लेने का, लेकिन मैंने और एक ले लिया, दूसरा दिखाता ये एयरफोर्स का, और एक ये पता नहीं मेरे को एकदम फंकी लग रहा, उसमें मैंने ये ले लिया, अच्छा लग रहा था मुझे तो। बेसिकली मैंने ये ले लिया एक, और इसके साथ ये भी लिए, क्या बोलते हैं इसको, चाँ निकाल तो सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेक्सी है यार, क्वालिटी भी अच्छा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था क्वालिटी ठीक है। अगर लोकल वाला में भी अगर मैं जाता हूँ, मेरे को भी ऐसे शूज मिल ही जाते सेम प्राइस में। ये तो मैं इंस्टा पे पेज देखा था, तो मैं बोला चेक कर लेता हूँ। बेसिकली दो पैर पसंद आया, इससे पहले एक रनर शूज पसंद आया था, बट वही था कि फिर रनर शूज लेके करूँगा कि मुझे इतना भागना नहीं उतना, और मैं तो कैजुअल में भी चलिए सीधा स्मॉल वीडियो के शूज से सीधा ये शूज। तो इट्स क्वाइट गुड, वैसे अभी तक मैंने इससे पहले खर्चा किया था मेरे जूते में 2,000 ही किया था, जो कि मैंने डिकैथलॉन से किया था मेरा, वो क्या बोलते हैं बास्केटबॉल शूज लिया था जो 2,000 का।
ये तो पैसे है साइज अच्छा है, मतलब मेरे पैरेंट तो एक छोटे पर तुम लोग को मैं अवेलेबल ही नहीं था कोई भी, मतलब जूता मेरे को मिल ही नहीं रहा था। तो नसीब से मेरे को ये अच्छा लगा था, ये वाइट ऑफ वाइट पे और दो शूज थे जो मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, एक नोवा का था इसी में नाइकी में नोवा का, और एक और था वो भी बहुत था। और इसमें तुम लोग तुम्हें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट ये शाइन करता है ना, हल्का सा ब्लूइश ब्लूइश दिखता है, हल्का सा एकदम, मतलब एकदम हल्का सा, मतलब एक शाइन दिखता है, सेक्सी वाला शाइन। कैसा लगा ये फिल्म? अच्छा है वो, देख रहे हो क्या? तो ये लाइटिंग इतनी गंदी है मेरे घर की, क्या ही कर सकते हैं, चलाना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली यही था आज का, यही ब्लॉग था, और कुछ करने के लिए था नहीं मेरे पास। तो इसी नोट पे इतना भारी खर्चा होने के बाद ये ब्लॉग ही खत्म करते हैं। अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।